नहीं हुआ कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी कल की नहीं। मैं बड़ा इंस्टा पे लाइव होता हुआ आ रहा था कि मैं एआर वाया जा रहा हूँ और आप लोग शो देखिएगा। आई एम रियली सॉरी कि मैं आप लोगों को बताना भूल गया, तबीयत खराब हो गई थी तो पे मार ही रही हूँ। निदा यासिर का ये वीडियो क्लिप 7 मई का है, जिसमें निदा यासिर ने बताया कि शूटिंग के दौरान इनकी तबीयत खराब हो गई और शूटिंग को स्टॉप कर दिया गया, लेकिन अफसोस इन्होंने ज्यादा तवज्जो ना दी और अगले दिन भी शूटिंग पर चले गई। यही वजह है कि निदा यासिर की टीम के साथ साथ इनकी फैमिली भी कोविड-19 में मुब्तला हैं। तो जी हाँ व्यूवर्स, इस बात की तस्दीक जियो न्यूज ने भी अपनी वेबसाइट पर कर दी है, जिस पर लिखा है कि निदा यासिर, इनकी बेटी और यासिर नवाज का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। निदा यासिर ने इस बात की तस्दीक अपने इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज पर की। इंस्टाग्राम पेज पर निदा यासिर ने अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी वीडियो क्लिप के नीचे अपने फैंस को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि वो इनकी दुआओं की तलबगार हैं। निदा यासिर ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर बताया कि इनके बेटे का टेस्ट नेगेटिव आया और है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए निदा यासिर ने कहा कि इनका बेटा सेफ है। अब निदा यासिर और इनकी बेटी क्वारंटीन में है। निदा यासिर की तबीयत 7 मई को बिगड़ना शुरू हुई, फिर भी निदा यासिर ने अपना मॉर्निंग शो जारी रखा और 24 को कोविड-19 का शिकार हो गई। अफसोस, उम्मीद है कि निदा यासिर के फैन इनके लिए दुआगो हैं और अल्लाह पाक इनको जल्द से सेहतयाब करे, आमीन। ऐसी मजीद अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।